केस की सुनवाई कल हुई थी। केस की हमने डिटेल स्टेट ऑफ हरियाणा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिफेंस किया था। जजमेंट आज प्रोनाउंस हुई है और अभी जज साहब ने रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। सो हिज चैलेंज अगेंस्ट द नोटिफिकेशन इशूड बाई द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉलिंग फॉर बाई इलेक्शन टू द सीट ऑफ करनाल हैज़ बीन डिसमिस्ड। ठीक है, कल उनकी बेसिक प्रोविजन, उनकी बेसिक जो चैलेंज था ये था कि सेक्शन 151A के अंडर अगर इलेक्शन, अगर रिमाइंडर ऑफ द टेन्योर एक साल से कम का है तो फिर इलेक्शन होना, बाई इलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। सो स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हरियाणा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिटेल दलीलें दी हैं, हमने एक्ट भी दिखाई, जजमेंट्स भी दिखाई हैं और हमारा बेसिक कंटेंशन ये था कि जो इंटरप्रिटेशन ये सेक्शन 151A के ऊपर डाल रहे हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट टेनेबल। सो अब जजमेंट अभी प्रोनाउंस हुई है, अभी टेक्स्ट ऑफ द जजमेंट तो अवेलेबल है नहीं, तो जब वो अवेलेबल होगा तब फिर आपको ज़्यादा बता सकता हूँ। बट हाँ, रिट पिटीशन हैज़ बीन डिसमिस्ड, सो देयरफॉर द चैलेंज हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड।